एक्वेरियम मेंटेनेंस या फिर एक्वेरियम वाटर चेंजेस ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, फिर भी देर आर फ्यू थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड व्हाइल यू आर डूइंग वाटर चेंज। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे वाटर चेंज कैसे करें, और इसी के साथ थ्रू आउट द वीडियो मैं आपको कुछ टिप्स और डूज एंड डोंट्स बताता रहूँगा। सो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सो हेलो गाइज, वेलकम टू एक्वा वर्ल्ड, आई एम गंधार, और आज हम देखेंगे हाउ टू डू एक्वेरियम वाटर चेंजेस और एक्वेरियम मेंटेनेंस। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करना, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज स्विच ऑफ योर फिल्टर। वाटर चेंज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली चीज़ आपको जो करनी है वो है अपना फिल्टर बंद करना है। तो यहाँ पे मैंने अपना फिल्टर बंद किया है। इसके बाद हम अपना जो पीवीसी हैक मैंने बनाया है, अगर आपने ये वीडियो देखा नहीं मेरा तो आप आई बटन में ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये बेसिकली ये वो पीवीसी पाइप है, हैक है, जो मुझे अब इस टैंक पे हुक करना होगा। तो एक्चुअली अब देख सकते हैं मेरे टैंक पे लिड है, अरवाना को जंप करने से रोकने के लिए मैंने एक्रिलिक लिड रखा है, और उस पर वेट डालने के लिए कुछ ग्लास के पीसेस डाले। तो पहले मैं ये रिमूव करता हूँ और आपको दिखाऊंगा बाद में अपना पीवीसी पाइप हैक उस पर हुक करके। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने ये जो टॉप था वो निकाल दिया है यहाँ पे है, लेकिन ये बीच वाला से यहाँ पे मैंने निकाल दिया। तो ये जो पीवीसी पाइप है ये हम इस पर ऐसे करेंगे हुक, बहुत सिंपल है, देख सकते हैं आप ये परफेक्टली उसके बीच में बैठ रहा है। तो ये हम ऐसे हुक कर दिया पीवीसी पाइप, और फिर पहले हम ड्रेन करेंगे। एक और टिप जो है वो कि स्क्रबिंग जो है अपने टैंक की या फिर एल्गी क्लीनिंग वो आप स्टार्टिंग में पहले मत स्टार्ट कीजिए। पहले आप 50% तक पानी ड्रेन कर रहे हैं अपना, बाद में आप वो सब कर सकते हैं, क्योंकि फिश फिर आपकी पानी के नीचे जाएगी, क्योंकि अभी आपने स्टार्ट किया फिश पैनिक होकर जंप कर सकती है। इसलिए पहले आप 50-40% पानी ड्रेन कर ले। तो चलिए हम इस पर पाइप अटैच करते हैं अपना और ड्रेन करेंगे पानी। तो ये देखो, ये मैंने इसके नोजल जो था अपना पीवीसी पाइप हैक के उस वहाँ पे मैंने अपना पाइप अटैच किया है, और वो ड्रेन में छोड़ दिया मैंने, साइफन आउट हो रहा है पानी। अब बस आपको रुकना है 50% वाटर होने तक। इसलिए ये हैक देखो कितना ईजी है, आपको कुछ मतलब पाइप वगैरह पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आप हुक करो। अब पानी मेरा ड्रेन हो रहा है, 50% ड्रेन होने के बाद मैं स्क्रबिंग स्टार्ट करूँगा। तो जैसे अपना ये जो 50% पानी है ये ड्रेनिंग चालू है अभी, तब हम कम क्या करेंगे, ये एक छोटा मैंने पाइप लिया है, 1/2 इंच का पाइप है, इससे साइफन आउट करेंगे जो भी अपना नीचे डेबरी है टैंक के वो सब हम साइफन आउट करेंगे। तो इसे मैं पहले टैंक में अपने डाल रहा हूँ, और फिर ये पानी में माउथ से सक करूँगा। तो ये पानी आना स्टार्ट हो गया है, तो ये हम करेंगे साइफन। तो आप देख सकते हैं जो भी डेबरी है वो हम साइफन आउट कर लेंगे पानी से। तो जो भी वेस्ट था वो हमने साइफन आउट किया है पाइप से। फिर अब हम हमारा लगभग 50% वाटर चेंज हो गया है, तो अब मैंने ये स्टॉप किया है, वाल्व को क्लोज किया, और अब हम स्क्रेपिंग मतलब जो एल्गी होगी ग्लास के सरफेस पे उसे स्क्रेप करेंगे। उसके लिए आप कोई भी ऐसे स्पंज यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपका बड़ा टैंक है तो ऐसे जो ये आता है स्वीजी आता है वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर नाइलॉन स्क्रबर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखो कि ज़्यादा हार्ड कोई मतलब मेटल स्क्रबर वगैरह यूज़ ना करो, उससे स्क्रैच आ सकते हैं आपके टैंक के लिए। तो चलो हम स्क्रबिंग करते हैं। तो हमने बॉटम और बैक स्क्रब किया है, जो फ्रंट है ग्लास है वो हम स्पंज से स्क्रब करेंगे। इस तो अपनी स्क्रबिंग पूरी हो चुकी है। एक्चुअली मैं हर 15 डेज में वाटर चेंज करता हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा एल्गी इश्यूज आती नहीं है, इसलिए ज़्यादा सर स्क्रबिंग करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मतलब बहुत दिनों बाद क्लीनिंग कर रहे हो, कुछ महीनों बाद, तो आपको अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा एल्गी वगैरह सब। तो अब बात करेंगे कि कितने दिनों के बाद आपको वाटर चेंज करना पड़ेगा। एक्चुअली जितना ज़्यादा आप वाटर चेंज करोगे इतना फिश के लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि नाइट्रेट लेवल आपका मतलब आप जो भी पानी में नाइट्रेट होगा वो कम हो जाएगा। तो आइडियली
वन वीक या फिर 15 डेज में एक बार आप कर सकते हो। वन वीक में एक बार एक्चुअली हर किसी को पॉसिबल नहीं होगा, फिर भी आप 15 डेज में एक बार ट्राई वाटर चेंज करना ट्राई ज़रूर करना। उससे फिश आपका हेल्दी रहेगा, स्पेशली अगर आपके पास हैवी ईटर फिश है, जैसे अरवाना हो गया, फ्लावरॉन हो गया, या फिर कोई बड़े फिश है, मॉन्स्टर फिश है अगर आपके पास, तो आप ट्राई करो कि कम से कम 15 डेज में एक बार आप वाटर चेंज करो। अगर आप रेगुलरली वाटर चेंज करते हो, मतलब 15 डेज या फिर हर वीक भी आप कर रहे हो, तो आपको इतने डीप क्लीनिंग या फिर इंटेंस क्लीनिंग आपको करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपका रेगुलर वाटर चेंज होता रहेगा तो ज़्यादा एल्गे या फिर ज़्यादा वेस्ट जो वो आपके टैंक में नहीं होगा। इसलिए आपको क्लीनिंग ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा सरफेस स्क्रब कर दो और 50-70% वाटर चेंज करो, आप यू आर गुड टू गो। और एक ज़रूरी बात, जब भी आप एक्वेरियम वाटर चेंज करते हो तब कभी भी अपना फ़िल्टर क्लीन मत करो, क्योंकि क्या होगा, एक्वेरियम का आप सरफेस स्क्रब कर रहे हो, आप पानी चेंज कर रहे हो, तो वो भी जो भी आपके एक्वेरियम में बायोलॉजिकल बैक्टीरियाज हो गए, बेनिफिशियल बैक्टीरियाज हो गए, वो मतलब ख़त्म हो जाएंगे। पर फिर तो आपके जो फ़िल्टर में है वो रहने चाहिए, अगर आपने दोनों एक साथ क्लीन किया तो आपकी पूरी बायोलॉजिकल साइकिल ख़राब हो जाएगी, इसलिए फिर से साइकिल होना पड़ेगा टैंक, उसमें टाइम जाएगा। इसलिए कभी भी अपना फ़िल्टर और अपना एक्वेरियम साथ में क्लीन ना करें। और एक ज़रूरी बात, कभी भी 100% वाटर चेंज मत करो। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि पूरा पानी निकाल देते हैं टैंक से, पूरा 100% वाटर चेंज करते हैं, फिश को भी बाहर निकालते हैं, किसी कंटेनर में रखते हैं, वो कभी भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। फिश को अपने टैंक से कभी निकालना नहीं चाहिए, अनलेस आप टैंक चेंज कर रहे हो। आप 90% वाटर चेंज करो, लेकिन कभी भी पूरा वाटर चेंज मत करो, फिश को पानी में रहने दो। तो अब हम करेंगे, ये अपना स्क्रबिंग हो गया है, तो अब और पानी ड्रेन करेंगे। ये जो वॉल वाले अब हम करेंगे ओपन, तो पानी ड्रेन स्टार्ट हो गया। जितना मैं चाहता हूँ मैं 60% या फिर 70% करने वाला हूँ। जब तक ये ड्रेन हो रहा है, 60-70% होने के बाद मैं स्विच ऑफ करूँगा। फिर ये जो अपना पाइप है, ग्रीन पाइप, ये मैं अपने टैप को अटैच करूँगा और सीधा पानी फिलिंग स्टार्ट करूँगा। एक्चुअली मुझे डीक्लोरिनेशन की ज़रूरत नहीं होती मेरे टैंक टैप वाटर में, मैंने टेस्ट किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा था, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, हाउ टू टेस्ट क्लोरीन लेवल इन वाटर। मेरे टैप वाटर में क्लोरीन बिल्कुल नहीं होता, इसलिए मैं सीधा टैप वाटर पानी में डालता हूँ। मैं ये आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, आप पहले आपका क्लोरीन लेवल चेक करना। अगर आपके पानी में क्लोरीन है तो आप किसी बड़े कंटेनर में स्टोर कर सकते हो वो पानी, उसको थोड़ा एज होने दो या फिर डीक्लोरिनेशन लिक्विड उसमें डाल दो और फिर आपके टैंक में पानी इंट्रोड्यूस करो। क्योंकि मेरे पानी में क्लोरीन नहीं होता, इसलिए मैं सीधा टैप से आप अपने पानी टैंक में पानी डालता हूँ। तो ये मैंने वाटर रिफिलिंग स्टार्ट किया है अभी, मेरा 60% पानी ड्रेन हो गया था इसलिए मैंने स्टॉप किया, और अब मैं वाटर रिफिलिंग स्टार्ट किया मैंने। तो मुझे एक्चुअली ये रिफिलिंग होने में कुछ 15-20 मिनट्स लगेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे टैंक में सबस्ट्रेट नहीं है, इसलिए मैंने उस सबस्ट्रेट क्लीनिंग की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपके टैंक में सबस्ट्रेट है, सैंड है या फिर कोई ग्रेवल है, तो आप उसको क्लीन कर सकते हैं, साइफन कर सकते हैं उसमें जो भी डर्ट होगा वो। उसके बाद अगर आप कोई डेकोरेशन है तो उसको, उनको भी आप ब्रश से स्क्रब कर सकते हो और क्लीन कर सकते हो। मान लो ड्रिफ्ट वुड है तो उसको टूथब्रश से स्क्रबिंग करके उस पर से जो भी एल्गे या फिर डर्ट होगा वो आप निकाल सकते हो और उसे साइफन आउट कर सकते हो। तो वो भी जैसे मैंने बताया आपको, पहले 50% या फिर 50 नहीं तो कम से कम 30% वाटर ड्रेन करो, उसके बाद ही वो सब स्क्रबिंग स्टार्ट करो। पहले स्टार्ट करोगे तो फिश मतलब पानी लेवल हाई, पानी का लेवल ज़्यादा होगा, इसलिए फिश सरफेस से बहुत नज़दीक होगी तो वो जंप कर सकती है। इसलिए पहले 30% वाटर पानी ड्रेन करो, फिर स्क्रबिंग सारी स्टार्ट करो। और एक इम्पॉर्टेंट टिप, मतलब अगर आपके पास कोई फिश है जो जंप करती है, जैसे मेरी अरवाना है, अरवाना अगर आपके पास है तो आप देखो कि अगर वो नहीं है तो जब भी आप वाटर चेंज करें तो वाटर चेंज करते टाइम भी आप टैंक का लीड तो कवर्ड ही रखो, कुछ तो आप कम से कम कोई क्लॉथ वॉथ रख दो, क्योंकि क्या होगा उसको आदत नहीं होती वाटर चेंज की, तो वो वहाँ पर पैनिक होकर जंप कर सकती है। मेरे अरवाना पुरानी हो गई, इसलिए उसे वाटर चेंज की, बहुत सारे वाटर चेंज उसने देखे, उसे वाटर चेंज की आदत हो गई है, इसलिए वो अब ज़्यादा पैनिक नहीं होती क्योंकि उसे पता है कि क्या चल रहा है। अगर आपके पास अरवाना है जो नई है, स्पेशली बड़ी अरवाना से, तो वो या फिर उसका अगर आपने टैंक चेंज किया है, तो तब आप जब भी वाटर चेंज करोगे तो वाटर चेंज करते टाइम भी आप देखो कि टैंक का लीड कवर होना चाहिए, नहीं तो वो पैनिक होकर जंप कर सकती है। और जब भी आप वाटर मतलब पानी में हाथ डालोगे क्लीनिंग करने के लिए, तो देखो कि आप जो भी इक्विपमेंट्स है आपके टैंक में, हीटर हो गया, वेव मेकर हो गया, फिल्टर हो गया, जो भी है, वो सब आप स्विच ऑफ करो, क्योंकि शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा रहता है। इसलिए मेक श्योर आप वो सब बंद करो, बाद में ही आप टैंक में हाथ डालो। और अगर आप विंटर्स में कर रहे हो वाटर चेंजेस, तो चांसेस है कि आपका जो पानी है, जो आप नया पानी आप टैंक में फिल कर रहे हो, उसका टेम्परेचर अलग होगा, तो उसके लिए भी आप किसी बड़े स्टोरेज टैंक में आप पानी रख सकते हो। पहले उसको टेम्परेचर उसका अपने आपके टैंक के टेम्परेचर से मैच कर सकते हो और बाद में आप अपने टैंक में ऐड कर सकते हो, क्योंकि अगर ज़्यादा डिफरेंस होगा तो फिर स्ट्रेस में आ जाएगी। मेरे यहाँ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता विंटर्स में भी,
मतलब टैंक के पानी में और बाहर के पानी में, इसलिए मैं सीधा ही डायरेक्टली और ऐड करता हूँ। फिर भी आई रिकमेंड कि अगर आपके पास ज़्यादा ठंड होती है और आपका पानी, टैंक के पानी तो नॉर्मल होगा क्योंकि आप हीटर लगाओगे उसमें, उसका टेम्परेचर 28 या फिर जो भी आप रखोगे वो होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके टैप वाटर या फिर जो भी आप पानी यूज़ करें उसका भी टेम्परेचर वही 28 ही हो। अगर वो ज़्यादा कम है तो आप उसे पहले स्टोर किसी कंटेनर में, बड़े कंटेनर में रखो, उसमें हीटर ऐड करो या फिर किसी भी चीज़, कैसे भी आप उसका टेम्परेचर अपने टैंक के टेम्परेचर तक लाओ और फिर आपके टैंक में ऐड करो, जिससे आपके फिश को स्ट्रेस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो अब ये मेरा टैंक पूरा फिल हो चुका है, टैप ऑफ किया है मैंने, अब मैं ये सब अपना पीवीसी का जो हैक है वो निकालूंगा और टैंक को कवर करूंगा। तो अब मैंने अपने टैंक को पूरा कवर किया है, हमारा वाटर चेंज खत्म हो गया। जब आपका पूरा वाटर चेंज हो जाए उसके बाद आप अपने जो इक्विपमेंट्स है टैंक में, जैसे हीटर, वेव मेकर या फिर फिल्टर, वो सब ऑन कर सकते हैं। और आपका स्टार्टिंग में जब आप वाटर चेंज करोगे तो पहले दिन आपका पानी थोड़ा क्लाउडी हो जाएगा, वो हमेशा होता है क्योंकि जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो जो हम ग्लास से निकालते हैं वो सब पानी में रहते हैं, इसलिए पानी आपका थोड़ा क्लाउडी हो जाएगा, लेकिन एक से दो दिन में पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा वापस, आप उसका टेंशन मत लो, वो काम फिल्टर कर देगा आपका। तो ये था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, और आप अपने टैंक का पानी कितने दिनों के बाद चेंज कर रहे हैं ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।